तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है अगर आपको एनिमी की पोजीशन पहले से पता चल जाएगी तो गेम खेलना कितना आसान हो जाएगा? तो भाई साहब, ये बिल्कुल मुमकिन है। भाई साहब, गेम में एक चीज़ है जिसका नाम है साउंड सेंस, जो भाई साहब अगर अच्छे अच्छे नूबड़ों को प्रो बना देती है और अच्छे अच्छे पीरों को भी नूब बना देती है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी साउंड सेंस के बारे में। तो भाई साहब, आज से इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है टिप्स एंड ट्रिक्स की गाइड्स। तो आई होप आप थोड़ा इसमें सपोर्ट दिखाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो गाइस, पहली बात, ये साउंड सेंस होता क्या है? तो साउंड सेंस मतलब आपके एनिमी की फुटस्टेप, मतलब कौन से डायरेक्शन से कौन, मतलब कितने बंदे आ रहे हैं, आपके चार और कितने बंदे हैं, वो आपको बस साउंड सेंस से ही पता चलने वाला है। तो गाइस, तो मैं आपको इस वीडियो में एक मतलब ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपके साउंड सेंस बहुत इम्प्रूव होगा। तो चलते अपने टिप नंबर वन पे। तो गाइस, टिप नंबर वन ये है कि आपको पहले अपने गेम के सेटिंग्स में जाना है और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपने गेम की सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पे ग्राफिक्स एंड ऑडियो में जाता हूँ और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑडियो है। तो यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे चीज़ करनी, ये आपका मास्टर जो वॉल्यूम होगा ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट 70% में सेट होने वाला है। तो आपको ये सीधा 100% पर कर देना है। मास्टर वॉल्यूम मतलब आपका जो बैकग्राउंड का नॉइज़, मतलब सराउंडिंग साउंड, वो आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। और SFX क्वालिटी को आप अपने हिसाब से हाई या अल्ट्रा में रख सकते हैं, जिस मतलब आप जैसा पसंद करते हो, पर मास्टर को आप नहीं भूल सकते, वो आपका मेन चीज़ है जो सराउंडिंग साउंड आपका इंक्रीज कर देगा। तो गाइस, अब चलते हैं अपने टिप नंबर टू पे। तो भाई साहब, टिप नंबर टू मतलब आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि अपना ईयरफोन। अगर गाइस आपके पास अच्छा सा ईयरफोन ही नहीं होगा तो मतलब आपको सुनाई ही कैसे देगा, पहली बात। तो मतलब जो लोग भी बिना ईयरफोन के खेलते हैं तो भाई साहब मेरी सलाह मानो, आज ही गेम छोड़ दो। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है। ईयरफोन से आपको ये फ़ायदा होता है कि मतलब आपको मतलब आपके सराउंडिंग का साउंड सुनाई नहीं देगा, आपको सिर्फ गेम के ऊपर ही फोकस रहेगा और आपका गेम का साउंड ही सुनाई देगा। तो इससे आपका मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो गाइस, मेरी सलाह मानो, पहले जाके एक अच्छा सा ईयरफोन खरीद के लाओ। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने टिप नंबर थ्री पे। तो गाइस, ये टिप मतलब क्या मैं बोलूँ, सारे टिप्स तो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये टिप्स मतलब आपके थोड़े लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस टिप में मतलब आप मतलब कितनी वॉल्यूम अप्रोक्स रखने से तो आपको अच्छा सुनाई भी देगा और आपके मतलब कान को डैमेज भी नहीं होगा। भाई साहब, कान का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और सब चीज़ का रिप्लेसमेंट, पर कान का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर साउंड सेंस को इम्प्रूव करते करते आपका कान ही डैमेज हो जाए तो भाई साहब उसका क्या फ़ायदा। तो भाई लोग आपको मतलब अप्रोक्सीमेटली अपना वॉल्यूम 70% में रखना है। ये मतलब मैं रखता हूँ जो कि मेरे कान के लिए बहुत अच्छा है। इस वॉल्यूम में रखने से आपको सराउंडिंग का साउंड भी अच्छे से सुनाई देगा और मतलब ज़्यादा हार्श साउंड जो कि आपके कान के लिए बहुत हार्मफुल होता है वो सुनाई नहीं देगा। इससे ज़्यादा आपने सेटिंग्स में जाके अपने मतलब वॉइस टीम वॉइस का वॉल्यूम भी मतलब चेंज कर सकते हो, कम कर सकते हो। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपका टीममेट की जिग-जिग सुनाई नहीं देगी और गेम पे पूरा फोकस रहेगा। तो भाई साहब, यही थी टिप नंबर थ्री। अब चलते हैं टिप नंबर फोर की तरफ। तो गाइस, ये तो बात हो गई हमारे मतलब कितने वॉल्यूम में रखना चाहिए, आपका मतलब प्रिकॉशन लेना चाहिए। अब भाई साहब, इम्प्रूव कैसे करेंगे? इम्प्रूव करने के लिए आपको गेम खेलना पड़ेगा और गेम में आप मतलब हॉट ड्रॉप में अपार्टमेंट कूदिए, क्योंकि अपार्टमेंट का एक ही फ़ायदा है, वहाँ पे इतने सारे बिल्डिंग्स हैं और इतने सारे फ्लोर हैं, मतलब आपको मतलब अगर आप वहाँ पे मास्टर कर लेंगे ना तो मतलब आपको कोई नहीं हरा सकता। मतलब क्या मैं बोलूँ, अगर कोई बंदा वहाँ अपार्टमेंट में मतलब साउंड सेंस को मास्टर कर लेगा, मतलब भाई साहब वो एक प्रकार का मतलब गॉड बन जाएगा। साउंड सेंस मतलब आपको अगर मास्टर करना है तो आपको मैच खेलना पड़ेगा और मैच में हॉट ड्रॉप में अपार्टमेंट ही कूदना पड़ेगा। तो भाई साहब, अगर आपको अपनी स्टार्ट्स की चिंता है तो आप अनरैंक खेलिए, पर अपार्टमेंट जाके
मतलब साउंड स्टैंड आपको अगर इम्प्रूव करना है तो आपको अपार्टमेंट ही जाना पड़ेगा, अपार्टमेंट या यासना में जो भी हॉट ड्रॉप है वहीं पे जाना पड़ेगा, जिसमें मतलब आपको अच्छे से पता चल जाए कि कौन सा फ्लोर में कौन सा बंदा है। तो गाइस यही थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब साउंड सेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और हम ऐसी वीडियो लाने वाले इस चैनल पे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।